तो हेलो एवरीवन, भोजन बॉय सुमित हेयर। आपको जैसा कि आजकल दिख रहा होगा कि मायावती जी ब्राह्मणों का सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, भाईचारे की बात कर रही है ब्राह्मणों के साथ, तो ऐसा वो क्यों कर रही है, क्या है इसके पीछे का राज, मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है एक राहुल नागपाल जी के चैनल से। उनके चैनल पर एक भंती जी का वीडियो आया है, बीपी थेरो जी का, जो बता रहे हैं कि हमारा समाज क्यों पीछे है। उनका साफ साफ कहना है, जो टेलीविजन है ना और जो इसमें सीरियल्स आते हैं, जैसे कि नाग नागिन वाला, इच्छाधारी नाग नागिन, भगवानों के सीरियल्स आते हैं, इसे हमारा भोजन समाज देखता है और उसको चमत्कार पर विश्वास हो जाता है, इसलिए हमारा समाज आज विज्ञान की तरफ नहीं चमत्कार की तरफ जा रहा है। तो ये वीडियो देखिए। कारण है कि जब धारावाहिकों द्वारा, सीरियलों द्वारा, टीवियों पर दिन रात जब हम चैनल ओपन करते हैं, टीवी चलाते हैं, तो क्या मिलता है, वो चमत्कार दिखाने वाले कार्यक्रम, देवी देवताओं के कार्यक्रम, जिनमें इच्छाधारी का रूप धारण किया जाता है, जिनमें नागिन बन के आती है, फिर वो लड़की बन जाती है, फिर वो एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी पुजारी बन जाता है, फिर वो भी सांप बन जाता है। ऐसी जो व्यवस्थाएं फैल रही हैं, कुल मिलाकर के अंधश्रद्धा खुले आम कह करके परोसी जा रही है आपके बच्चों के भविष्य के सामने। इसी कारण से आपके बच्चों का दिमाग पढ़ाई पर कम और टीवियों पर ज्यादा। हम पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। भंते जी का कहना है कि इसी कारण से ये टीवी के जो सीरियल्स आते हैं, इसी कारण से हमारे देश के बच्चों में वैज्ञानिक सोच आगे नहीं बढ़ पा रही। ये लोग ये फालतू के सीरियल्स देखते हैं जिसमें चमत्कार, ये फालतू की चीज़ें बताई जाती है, अंधविश्वास टाइप की चीज़ें, लेकिन डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी, एजुकेशन प्लानेट, जियोग्राफी, ये सब नहीं देखते हैं जिससे नॉलेज बढ़ता है। और यही बात है उन्होंने बहुजन समाज की महिलाओं को भी बोली है कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएं भी ये फालतू के सीरियल्स देखना, जो कि टीवी डेली स्टॉप्स आते हैं, इनको देखना बंद करें। तो आप इस बारे में क्या बोलते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भाई, एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है भोजन फूड की तरफ से। जैसा कि आपको पता होगा, हर शनिवार को भोजन फूड का एक टॉक शो आता है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है भोजन हिताय, भोजन सुखाय। लेकिन ये शनिवार को, यानी कि कल, वो टॉक शो क्यों नहीं आया, इसका रीजन बता रहे हैं अर्जुन सिंह जी। तो वीडियो देखो। बहुजन फूड का हिंदी टॉक शो शूट नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुजन फूड स्टूडियो में गेस्टों को आने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाता है आना। और हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब सोच रहे थे कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा था लॉकडाउन खुलने के बाद कि ये जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगी, और बीमारी ख़त्म होने के बाद ही धीरे धीरे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आपने देखे होंगे विभिन्न टॉपिक पर 4 ही एपिसोड हम लोग अभी रिलीज कर पाए हैं। अब आगे हमारा और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। भाई, अर्जुन सिंह जी का कहना है कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, इस कारण से जो गेस्ट लोग हैं वो स्टूडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो टॉक शो शूट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये पूरा कोरोना वायरस खत्म होगा, उसके बाद हर शनिवार को भोजन टॉक शो, भोजन हिताय, भोजन सुखाय आपके यूट्यूब चैनल, यानी कि भोजन हुड के यूट्यूब चैनल पर आया करेगा। तो भाई, आपको भी इंतजार रहता है क्या भोजन हुड के, भोजन हिताय, भोजन सुखाय का? नीचे कमेंट करके बताओ। तो भाई, आपने अक्सर देखा होगा कि मनुवादियों द्वारा बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, बाबा साहब के घर, राजगृह पर मनुवादियों द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन कभी बाबा साहब की मूर्ति आपने कचरे में देखी है, नाले किनारे देखी है, गंदगी की जगहों में देखी है, जहां पर गंदगी पड़ी रहती है वहां पर बाबा साहब की मूर्ति देखी है? नहीं देखी होगी। लेकिन यूपी, हाँ भाई, यूपी की हथरस में एक जगह है जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा बहुत गंदी जगह लगी हुई है। इसका वीडियो बनाया है हमारे भाई विशाल कुमार जाटव जी ने, पूरी न्यूज़ बनाई है, तो ये वीडियो देखो। और जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो बरसों से अपमान होता आ रहा है, 2002 में ये करीब मूर्ति स्थापित हुई थी, पर आज भी आप देख सकते हो नीचे भाई जो गंदगी है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी गंदगी है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अपमान 20 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है लगातार, नहीं कोई प्रशासन, ना ही किसी पार्टी, किसी संगठन की नज़र यहाँ पर जा रही है। भाई पूरा दिखाइए, कैमरामैन से अपील करूँगा, मुझे लेकर इधर को दिखाइए, ये इधर जो नाली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति पार्टियाँ हैं, राजनीति संगठन है, अपने स्वार्थ के लिए फेमस जगहों पर बाबा साहेब डॉक्टर बी। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। इसी बात को लेकर विशाल कुमार भाई ने एक ट्वीट भी करा था हथरस के जिला प्रशासन को कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा गंदे नाले में लगी हुई है,
जो पिछले 20 वर्षों से वहां पर लगी हुई है। तो भाई इसका जवाब आ गया है, हतरस पुलिस ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में अब जांच की जाएगी। तो भाई विशाल भाई की रिपोर्टिंग को सलाम यार, उन्होंने बहुत शानदार रिपोर्ट बनाई है ये वाली। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। दोस्तों जैसा कि पता होगा भोजन वुड फिल्म बनाने वाला है, लेकिन उससे पहले श्रेयस नरवाड़े जी जो कि एक मराठी फिल्म मेकर है, उन्होंने एक शानदार मूवी बनाई है जयंती करके, जो कि शाहू फुले और आंबेडकर की विचारधारा को लेकर बनाई गई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करा हुआ है और वो चाहते हैं कि उनकी ये मूवी जिसका पूरा पार्ट शूट हो चुका है, एडिटिंग हो चुकी है, 200 सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाए। लेकिन दोस्तों बात आ रही है फंडिंग की कमी की, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको क्या ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है। तो ये वीडियो देखो। आधे से ज़्यादा सफ़र हमने लगभग तय कर लिया है, अभी पूरा सफर तय करने के लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। जयंती का बचा हुआ काम पूरा करने के लिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपयों की जरूरत है। ये पैसा फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये पैसा हम क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहा है cloudera.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फिल्म के लिए मदद कर सकते हैं। फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। दोस्तों आप भी चाहते हो कि जयंती मूवी रिलीज हो और वो आपको हर सिनेमा घर में देखने को मिले। ये मूवी मराठी में है लेकिन दोस्तों बहुजन समाज की मूवी है। अगर आप चाहते हो मूवी रिलीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो जो डोनेशन लिंक है वो दी हुई है, आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर जाकर डोनेशन कर सकते हैं। इस मूवी को रिलीज करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है दोस्तों, तो आप अगर बहुजन समाज से हो तो मदद कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डोनेशन लिंक है। दोस्तों अगली स्टोरी निकलकर आ रही है आरडी भारती जी की तरफ से, बिहारी सुल्तान चैनल की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मायावती जी क्यों ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है, क्यों चाहती है कि दलित और ब्राह्मण एक साथ आ जाए, तो उसका कारण ये है दोस्तों। आरडी भारती जी बताते हैं कि जैसा कि हर गाँव में होता है, भारत के हर गाँव में कोई सरपंच या बड़ा व्यक्ति जो का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है वो स्वर्ण समाज के लोग या ब्राह्मण ही होते हैं, और अधिकतर बहुजन समाज के लोग इनके गुलाम होते हैं और इनकी हर बात मानते हैं। तो मायावती जी का फोकस है वो ब्राह्मण व्यक्ति, अगर भारत के पूरे जगहों से इनको टारगेट कर दिया जाए और अपने साथ ला लिया जाए तो जिस इनके जो एक कह सकते हैं कि गुलाम टाइप के जो वोट्स है वो भी BSP को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखिए कि बहन मायावती जी बार बार भाईचारा कमेटी और ब्राह्मण समाज पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में वे कर्जदार हैं जो बहुजन समाज से है, वो वैचारिक रूप से मानसिक रूप से हाँ में हाँ मिलाने वाले। ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। साफ साफ शब्दों में बताऊं तो आरडी भारती जी का कहना है जितने भी गांव में बड़े लोग होते हैं, बलशाली बाहुबली टाइप के नेता टाइप के लोग, वो अधिकतर ब्राह्मण या ठाकुर या स्वर्ण समाज के लोग होते हैं और इनके पीछे ही पूरा गाँव या कस्बा चलता है। अगर इन लोगों को जो बाहुबली टाइप के लोग हैं इनको अपनी पार्टी BSP में लाया जाए और उसमें मिला दिया जाए तो सोचिए इनके पीछे जितने भी वोटर्स हैं पूरे BSP को वोट करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, BSP को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा BSP को सत्ता में आने से। इसलिए मायावती जी ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है और ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा कहना है आरडी भारती जी का। तो इस बारे में भाई आपकी क्या राय है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।